इस वीडियो का विषय है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस वीडियो में हम यह विषय पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ धनाभ और धनक्षेत्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र, पूर्ण और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अर्थ, बेलन और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयत का अर्थ धनाभ, धनक्षेत्र, गेंद, गोलार्ध और बेलन की आयतें, और आखिर में सारांश। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ एक वस्तु की सतहों के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। धनाभ और धनक्षेत्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक धनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम धनाभ को खोल देंगे, जैसे कि चित्र में दिया गया है। मान लेते हैं कि धनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ल, ब और ह है। चित्र से यह साफ है कि हमें 6 आयतें मिलेंगी, जिनमें 2 के किनारे ल और ब हैं, 2 के ब और ह, और 2 के किनारे ल और ह हैं। हम यह कह सकते हैं कि इन 6 आयतों के क्षेत्र धनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका मतलब कि धनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ इस तरह होगा। और एक धनक्षेत्र एक धनाभ है जिसके सारे किनारे बराबर होते हैं, तो इसीलिए धनक्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ इस तरह दिखाई देगा। वक्र, पूर्ण और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अर्थ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब घुमावदार सतहों के क्षेत्र को कहा जाता है। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एक आकार की सारी सतहों के आयत का जोड़। किसी वस्तु की पार्श्व सतह वस्तु के सभी चेहरों का क्षेत्र है, इसके आधार और शीर्ष के क्षेत्र को छोड़कर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई h है और उसकी त्रिज्या r है, तो उसको हम h ऊंचाई तक रखे हुए r त्रिज्या के वृत्त मान सकते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा पाए गुणा आर प्लस एच होगा। बेलन का घुमावदार पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा पाए गुणा आर गुणा एच होगा। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई h है और r आधार की त्रिज्या है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाए गुणा r गुणा l के बराबर है, जहां पर l शंकु की तिर्यक ऊंचाई के बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम से हम यह कह सकते हैं कि l गुणा l बराबर r गुणा r जोड़ h गुणा h। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्र जोड़ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाए गुणा r गुणा l प्लस r। आयत का अर्थ एक पदार्थ या वस्तु पर कब्जा करने की जगह की मात्रा को आयत कहा जाता है। आयत पता करने का आसान तरीका, कुछ समान वस्तुएं जैसे कि धनाभ, बेलन आदि की आयत निकालने के लिए उनके आधार के क्षेत्र को उनकी ऊंचाई से गुणा किया जाता है। हालांकि यह कुछ वस्तुओं के लिए ही कामधेय है, अर्थात आयत बराबर आधार का क्षेत्र गुणा ऊंचाई। धनाभ की आयत। एक धनाभ
जिसकी लंबाई p, चौड़ाई b और ऊंचाई h, उस धनाभ की आयत को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। धनाभ की आयत बराबर आधार का क्षेत्र गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्र बराबर p गुणा b, तो फिर धनाभ आयत बराबर p गुणा b गुणा h। धनक्षेत्र की आयत। एक धनक्षेत्र एक धनाभ ही होता है जिसके सारे किनारे एक ही लंबाई के होते हैं। मान लेते हैं कि धनक्षेत्र के किनारे की लंबाई b है, तो फिर हम यह कह सकते हैं कि धनक्षेत्र की आयत बराबर b गुणा b गुणा b। गेंद की आयत। मान लेते हैं कि गेंद की त्रिज्या r है, तो फिर हम उसकी आयत को लिख सकते हैं गेंद की आयत बराबर 4/3 गुणा पाए गुणा आर गुणा आर गुणा आर। बेलन की आयत। मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है, तब हम यह कह सकते हैं कि बेलन की आयत बराबर आधार का क्षेत्र गुणा ऊंचाई बराबर पाए गुणा आर गुणा आर गुणा एच, क्योंकि आधार का क्षेत्र बराबर पाए गुणा आर गुणा आर। गोलार्ध की आयत। एक गोलार्ध एक गेंद का आधा कटा हुआ हिस्सा होता है, इसीलिए उसकी आयत भी उससे आधी होगी। मान लेते हैं कि गोलार्ध की त्रिज्या आर है, तब हम यह कह सकते हैं कि गोलार्ध की आयत बराबर 2/3 गुणा पाए गुणा आर गुणा आर गुणा आर। सारांश। धनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा ल गुणा ब जोड़ ब गुणा ह जोड़ ह गुणा ल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर जोड़ एच। बेलन का घुमावदार पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा पाए गुणा आर गुणा एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाए गुणा आर गुणा एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाए गुणा आर गुणा एल प्लस आर। धनाभ की आयत पी गुणा बी गुणा एच। धनक्षेत्र की आयत बी गुणा बी गुणा बी। गेंद की आयत 4/3 गुणा पाए गुणा आर गुणा आर गुणा आर। बेलन की आयत पाई गुणा आर गुणा एच। गोलार्ध की आयत 2/3 गुणा पाए गुणा आर गुणा आर गुणा आर।